हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों आज हम लोग जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो फटाफट आप तैयार रहिएगा और ज़रा जल्दी से करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हो। आज का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अच्छा, जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल से जुड़िए आप, और यहाँ पर सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती है, तो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो वहाँ पर आप विजिट करके आप जो कुछ भी परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसका नाम है study91.org। क्या नाम है? study91.org। और एक और निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर अगर आपके चैनल पे किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ आप उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि नितिन सर वाकई आपके साथ हैं, आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इतना काम जरूर से करिएगा। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में आप लोगों को खाली इतना पता है कि ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में है, और ये पहले पटना के पास था, ठीक है, पटना के पास था, पूसा नामक स्थान पे था बिहार में, ये सभी को पता। 1935 में भूकंप आया था और बिल्डिंग गिर गई थी, उसके बाद पूसा संस्थान ट्रांसफर हो गया दिल्ली। इतनी बातें मैं आपको पढ़ाया हूँ और पता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1929 में। दोस्तों समय दिन था आपका 16 जुलाई 1929, याद रखिएगा। और जिस समय इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, उस समय इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नहीं था, ठीक है, इंग्लिश में ICER बोलते थे, लेकिन इसका मतलब होता था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन क्या नाम था, इम्पीरियल काउंसिल, ठीक है, इम्पीरियल काउंसिल, ध्यान दीजिएगा, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये था उसका नाम। बाद में 1947 में जाकर के उसका नाम क्या पड़ा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो याद रखिएगा 1929 राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों, धान में खैरा बीमारी का कारण क्या है, तो याद रखिए जस्ते की कमी से दोस्तों धान में खैरा रोग हो जाता है और धान की पत्तियां मुड़ करके पीली पड़ जाती हैं, तो ये होता है जस्ते की कमी से, याद रहेगा आपको, जस्ते की कमी से खैरा बीमारी, ठीक है। आगे तेजाब वर्षा यानी एसी ड्रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होता है, तो याद रखिएगा एसी ड्रेन क्या होता है दोस्तों, तो एसी ड्रेन देखिए मैं होता क्यों है पहले जान लीजिए। देखिए जो भी धुआं है, जैसे गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, चिमनी का धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी भट्टियां जल रही, उनसे जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो जो भी खतरनाक प्रदूषक है ये आसमान में जाते हैं और इनकी जो जहरीली गैसें हैं ये पूरे आसमान में तैरती रहती हैं, ठीक है। जब वर्षा होता है तो उस वर्षा के साथ वो जहरीली गैसें क्या होती है, जमीन पे आ जाती हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं तेजाबी वर्षा या एसी ड्रेन। इसीलिए आपके घर वाले, आपके बड़े बुजुर्ग आपको मना करते हैं कि जब पहली बरसात हो तो आप घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि अगर पहली बार बाहर निकलते हो, प्रदूषण आसमान में ज्यादा है, तो ऐसे में जो एसी ड्रेन होगा वो आपके जो त्वचा होगा उसको नुकसान पहुंचाएगा, जैसे हो सकता है आपको फफोले पड़ जाए, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, बहुत खतरनाक रोग भी हो सकता है, स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से मना किया जाता है। और आप सोच लो कि तेजाबी वर्षा होने की वजह से दोस्तों कई जगह तो हालात हैं कि वहाँ के घर पीले पड़ गए। आप देखो ना, हमारे ताजमहल को उठा के देख लो, ठीक है, अब ताजमहल पीला पड़ रहा है धीरे धीरे, क्यों, उसका वजह बताया जाता है एसी ड्रेन, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मिलता है। तो एसी ड्रेन में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया दोस्तों, लेकिन इसके साथ नाइट्रोजन लगाया, ये गलत कर दिया है, नाइट्रोजन नहीं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड बोलना चाहिए, ठीक है, याद रखिए, तो आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, तो देखिए साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1927 में लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा था। और 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका जोरदार विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, और इसी में तो उनके सर पे लाठी लग गई, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, आपको पता होगा, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था जो है लाहौर में, साइमन कमीशन वापस जाओ के नाम से। अब विरोध क्यों हो रहा था, विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो इतना आंदोलन करने की जरूरत क्या थी, क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए, ठीक है, और अगर कोई भारतीय सदस्य नहीं होगा तो ऐसे में अंग्रेज जासी करेंगे, इस वजह से जो है उसका विरोध किया जा रहा था, जोरदार विरोध हो रहा था। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली बार भारत कब आया, 1928 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था, तो सबसे पहली बार आयोजित किया गया था लखनऊ में, ठीक है। कब आयोजित किया गया था दोस्तों, 1936 में आयोजित किया गया था लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता उस समय किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। देखिए स्वामी श्रद्धानंद अलग हैं, व्यक्ति हैं, और सहजानंद अलग हैं, तो याद रखिएगा किसान महासभा में सहजानंद हैं, सहजानंद, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। इसी तरह का किसान आंदोलन दक्षिण भारत में भी हुआ था आंध्र प्रदेश में, उसके अग्रणी नेता थे यंसी रंगा। क्या नाम था? यंसी रंगा, याद रखिएगा, जिनको किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। तो पहली महासभा कहां हुआ था? लखनऊ। अगला है दोस्तों, वीटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए, और वीटले पुरस्कार अपने अपने आप में क्या कहलाता है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर है, ठीक है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण तो संबंध से आप समझ रहे होंगे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर। और 2017 का जो ये पुरस्कार मिला है वो मिला है संजय गुब्बी और पूर्णिमा बर्मन को, 2017 का, 2018 का भी डेटा नहीं पता, ठीक है, 2017 की याद रखिएगा, संजय गुब्बी और महिला का नाम क्या है? पूर्णिमा बर्मन, पूर्णिमा बर्मन, इन दोनों लोगों को मिला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो याद रखिए बर्नियर को चिकित्सक नियुक्त किया गया था, ठीक है, मुगल सेना में बर्नियर को डॉक्टर बनाया गया था। किसके यहाँ दोस्तों, किसके राजपाट में था, ठीक है, तो याद रखिए शाहजहां के दरबार में था, शाहजहां के दरबार में। और दोस्तों इसने आगे चल के दारा सिको और औरंगजेब के बीच में जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई थी उसका भी ये साक्षी था, और इसी वजह से इसने इस चीज़ का वर्णन भी किया है। तो चिकित्सक होने के बावजूद भी, सारी कुछ देखने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद, इसने एक इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। आगे चल के दोस्तों, ये जाके गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन के सेवा में भी कुछ समय तक रहा, ये भी याद रखिए। और जो यहाँ पर दोस्तों सेकंड तो छोड़िए, यहाँ पर जो थर्ड वाला दे रहा था मनुची, मनुची के बारे में आपको बता दूँ, यह एक तोपची था, यह क्या था? एक तोपची था, बाद में इसने जो है डॉक्टर का पेशा अपना लिया था, ठीक है। इसका एक संस्करण है स्टेरियो द मोगोर, ठीक है, ये इसका संस्करण है जिसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ है। आगे जो दे रहा था ट्रेवनियर के बारे में दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने भारत की 6 बार यात्रा किया था, और अपनी यात्रा का ब्यौरा इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक एक बुक में किया हुआ है। तो ये सब याद रखिए, बर्नियर को जरूर से याद रखिएगा शाहजहां के समय में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है, बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये ओजोन परत के संरक्षण की बात करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण की बात करता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, समय बीतने के साथ साथ जो ओजोन छिद्र है ये बढ़ती चली जा रही है, और उस समस्या का निवारण करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों ये मॉन्ट्रियल? तो मॉन्ट्रियल जो जगह है ये कनाडा में है, ठीक है, और इस जगह पर दोस्तों तमाम देशों ने मिलकर के, कुल 33 देश उस समय आए थे, ठीक है, जिन्होंने अपने आप में एक समझौता किया कि हम जो है ओजोन का संरक्षण करेंगे, और ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। और वहाँ पर कहा गया दोस्तों कि CFC के उत्पादन पर हम लोग जो है रोक लगाएंगे, थोड़ा कमी करेंगे, क्यों? क्योंकि CFC सबसे ज़्यादा जो है ओजोन परत का क्षरण करती है, और ओजोन परत का क्षरण माने समझ रहे हैं, ओजोन परत का क्षरण मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें कहाँ आने लगेंगी? हमारे धरती तक पहुँचने लगेंगी, और ऐसे में ढेर सारे रोग तो आएंगे आएंगे, और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को। और CFC क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, ये सब याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, करा दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? निकलती है दामोदर नदी, जरा बताइए। तो दोस्तों ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। अगर तिब्बत की बात करूँ दोस्तों, जो तिब्बत दे रहा है, तो यहाँ से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये सब निकलती हैं। अरे सिंधु और ब्रह्मपुत्रा आपको मिलता है ना, तिब्बत के पास में मानसरोवर झील है ना, वहीं से तो निकलती है, ठीक है, ये सब याद रखिए। राक्षस ताल पड़ता है मानसरोवर झील के पास, वहाँ से निकलती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर और भी दे रहा ऑप्शन, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर की पहाड़ी के पास से, नहीं तो मेन आपका क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। आगे देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, आप बता दीजिए। तो सबसे पुराने राजधानी थी उसकी राजगिरी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता था, याद रहेगा आपको, राजगिरी या गिरिब्रज, याद रखिएगा। ये हरेवंश के राजा बिम्बिसान ने इसका स्थापना किया था और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। आगे चल के पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया राजा उदयन ने, किसने? राजा उदयन ने।
आगे देखिए, आगे कह रहा है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे कौन कौन से हैं। अगर कपास का जो उद्योग है, ठीक है, कपास को व्हाइट सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना, ठीक है। कह रहा है ये किन कच्चे मालों पर आधारित होता है ये बताना है आपको। तो याद रखिए दोस्तों, ये भार सम्मूलक पर होता है। भार सम्मूलक, देखिए ह्रास मूलक क्या होता है, भार वृद्धि क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कपास क्या होता है, कपास एक तरह की रेशे वाली फसल होती है। कपास में क्या होता है, रेशा रेशा होता है, रेशे वाली फसल होती है। और विश्व के आधे से अधिक कपास का उत्पादन, ठीक है, किस काम के लिए किया जाता है, तो कपड़े के लिए किया जाता है। इस कपास से क्या बनते हैं, कपड़े बन के तैयार होते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। इससे क्या बन के तैयार होते हैं, कपड़े बन के तैयार होते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, कच्चा माल जो होता है ये उद्योगों के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है, कच्चे माल पर आफा, तो ये किस पे होता है, ये भार सम्मूलक होता है। आगे मैं बताऊंगा, जैसे भार ह्रासमूलक क्या होता है। सपोज करिए दोस्तों गन्ना है, तो गन्ना जैसे खेतों से निकलता है तो उसका वजन कुछ और होता है, लेकिन मिल तक पहुँचने में उसका वजन घट जाता है, बढ़ नहीं जाता है, घट जाता है। समझ रहे हैं क्यों घट जाता है, क्योंकि उसका जो रस होता है वो धीरे धीरे सूखता है। तो रस के सूखने की वजह से गन्ने में रस की मात्रा कम हो जाएगी, तो उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ह्रास मूलक हो जाएगा। लेकिन जो कपास होता है ये भार सम्मूलक होता है, ठीक है, ये भार सम्मूलक होता है, बढ़ जाता है, इसका वेट बढ़ जाता है, थोड़ा सा भी पानी पड़ गया तो वेट बढ़ जाएगा। ये सारी, जैसे कोयला, कोयला क्या होता है, ये भी भार सम्मूलक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो जो दो जगह पर है। तो कान्हा किसली का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कान्हा वन्य जीव अभयारण्य, ये मध्य प्रदेश में भी है, और क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग करके बना था आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, ठीक है, दोनों में पड़ता है इसका बॉर्डर, तो याद रखिएगा। आगे दोस्तों, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, उनका नाम बताना है। दोस्तों गुरु नानक जी ने ये कहा था, और वाकई नानक जी की अगर ये सिद्धांत है और उनका यह चीज जो है सत्य हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, कितना बढ़िया हो जाए, कि व्यक्ति को उसके सद्गुण से पहचाना जाता है, उसकी जाति से नहीं। और वाकई दोस्तों मैं जब अमृतसर गया था तो मैं इस चीज़ को देखकर बिल्कुल प्रभावित था, बहुत प्रभावित था, कि वहाँ किसी जाति का चीज़ नहीं था, किसी धर्म की मान्यता नहीं थी, ठीक है, हर व्यक्ति एक समान था, बहुत बेहतरीन चीज़। तो ये बिल्कुल सही है, और गुरु नानक जी का ये कथन है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में ना, तलवंडी ननकाना साहिब, ठीक है, 1469 में, यानी 1469 मतलब 1469 में, याद रखिएगा। आगे, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्षोभ मंडल। वी साइलेंट हो गया, बच गया क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जो कि 8 से 10 किलोमीटर पर स्टार्ट हो जाती है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है और विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा। ध्रुव पर दोस्तों 8 किलोमीटर के आसपास, वहीं विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर के आसपास मिलेगी आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल होती है, याद रहेगा आपको। और इसके ऊपर अगर बढ़ोगे, ठीक है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है, ताजा पानी की झील, ध्यान से देखिएगा, खारा पानी ताजा पानी सब सुना करिए, ठीक है, तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर झील, अमेरिका में पड़ती है, लेक सुपीरियर झील, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है, और याद रहेगा आपको लेक सुपीरियर, ठीक है। अब बैकाल तो दोस्तों ये गहरी झील है, आगे देखिए, और खारे खारे भी आएगा। आगे, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है ये किस दौर से गुजर रही है। तो दोस्तों ये निश्चित रूप से गिनने की प्रवृत्ति के साथ, उच्च वृद्धि दर के साथ गुजर रही है। अब ऐसा कैसे, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है कैसे, देखो स्थिर जनसंख्या तुम्हारे यहाँ है नहीं, सतत वृद्धि भी नहीं कर सकते और तीव्र उच्च विकास भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ निश्चित रूप से गिनने की प्रवृत्ति के साथ क्या है, उच्च वृद्धि बनी हुई है। देखो दोस्तों इसकी कई सारी अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे रहते हैं, बहुत ध्यान समझना। पहली अवस्था जो होती है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई रहते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है उसमें जन्म दर हाई रहती है और मृत्यु दर क्या होती है, गिर जाती है। और तीसरी अवस्था जो होती है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। समझते रहना बात को, ठीक है, समझते रहा। और वर्तमान में अगर हम भारत की जनसंख्या वृद्धि की बात कर दें तो निश्चित रूप से जो गिरावट का रुझान है वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जब लेके चलोगे तो उच्च वृद्धि दौर से गुजर रही है, ठीक है। तो एक तरफ गिर भी रही, दूसरी तरफ उच्च वृद्धि के साथ बढ़ भी रही है, ये समझने का प्रयास करिए। आगे है, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या नहीं पूछ रहा है वो डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है, कह रहा है जनसंख्या घनत्व वाले जिले का नाम आपको बताना है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे न्यूनतम कहाँ पर है? ललितपुर में। और सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो गाजियाबाद में। दोनों याद रखिएगा। सबसे कम ललितपुर में कितना है? तो 242 है। ललितपुर में जनसंख्या घनत्व कितना है? 242। कहने का मतलब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? मात्र 242 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी 1 किलोमीटर का पूरा वर्ग बना लो तो 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में 242 लोग रहते हैं, जबकि गाजियाबाद में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग तो 4,000 है, 3900 समथिंग है, ठीक है, 4,000 लेके चलो, 4,000 है। तो याद रखिएगा, तो कम में ललितपुर और बड़े में गाजियाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है और सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश में कहाँ की है, ये आपको बताना है, ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर ही है, ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता दर है और श्रावस्ती में सबसे कम है। जबकि गौतम बुद्ध की अगर हम बात कर लें तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा भाषण कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। सब भाषण मतलब उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद भी यहाँ पर क्या साक्षरता दर क्या है? न्यूनतम है। जबकि वहीं पर गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर है ये क्या है? ये अपने आप में अधिकतम है। तो याद रहेगा आपको कि भूलेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, कितना है दोस्तों? तो 80% के आसपास, 80 दशमलव कुछ है, 80 याद रखिए, 80% के आसपास जो है यहाँ पर है साक्षरता दर। और वहीं अगर श्रावस्ती की बात करेंगे तो 50% से कम है, 46.74% कहाँ का है आपका? श्रावस्ती का है। तो दोनों डेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों डेटा याद रखिएगा, याद रखेंगे ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? गलत, सब लोग गलत करने वाले हैं, बताइए जरा। तो नामचिक नामफुक, अरे नाम से आपको नहीं लग रहा है कि नामचा बरवा जहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश, याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों इस कोयले की खान में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कोटि का, और आपको पता होगा जो कि एक सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो लगभग तो 70% के आसपास होता है। ये जलता बहुत अच्छा है, ताप शक्ति इसकी अच्छी होती है और धुआं भी जो है कम करता है। तो नामचिक नामफुक कहाँ पर है? ये आपके अरुणाचल में स्थित है। आगे, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये आपको बताना है, प्रमुख विशेषता। देख लीजिए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, पता होगा, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, यह भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं, ये भी सही। तो याद रखिए दोस्तों, इनमें से सभी सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, जो तीसरा ऑप्शन दे रहा है ये शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन याद रखिए कि जो जिला परिषद में होता है इसके सदस्य के रूप में सांसद भी होते हैं, ठीक है, कुछ सांसद को शामिल किया जाता है। आगे, पंचायती राज विषय है, किससे संबंधित विषय है पंचायती राज? तो ये राज्य सूची से संबंधित विषय है। किससे संबंधित है? अच्छा, इसको समवर्ती मत करिएगा, गलती होती है, लोग गलती करते हैं, लेकिन आप गलती मत करिएगा, ठीक है। याद रखिए, पंचायती राज किससे संबंधित विषय है? तो ये राज्य सूची से संबंधित विषय है, याद रहेगा आपको। अच्छा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1992 में, जिसके तहत जो है इसको शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये आपको बताना, मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में, जिसके तहत भाग 4 क या अनुच्छेद 51 क को लगाया, यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है, याद रखेगा। और कहाँ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य? तो सोवियत संघ रूस से। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? देखिए, राष्ट्रपति का भी खाली हो चुका है और उपराष्ट्रपति का भी खाली हो चुका है, तो ऐसे में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर दिया हुआ दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यही चीजें होंगी, कोई दिक्कत आपको? अब फिलहाल ये भी बताया गया कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भर देना पड़ेगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी, तो इंद्रधनुष में क्या होता है, इन सभी क्रांतियों को मिक्स कर दो, सभी क्रांतियां जितनी भी हैं, लाल पीला हरा नीला सब मिक्स कर दो, उन चीजों को क्या बोला जाए, इंद्रधनुषी, रेनबो, ठीक है, या सतरंगी क्रांति कहा जाता है, ठीक है। सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना क्या कहलाता है? इंद्रधनुषी क्रांति। आगे है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब, किसके सरकार में लागू किया गया था? रोलिंग प्लान, तो याद रखिए जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसमें जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई थी, और उस समय तत्काल प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है, मोरारजी देसाई जी थे, याद रखिएगा। और कब से कब तक? तो बता दूं आपको, जनता पार्टी की सरकार बनी थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक थी, उसी में बनी थी, ठीक है, और याद रखिएगा। जबकि इसको एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, यानी 78 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था।
और इसके बाद जो है लागू किया गया, तो ये अनवरत योजना या रोलिंग प्लान नाम दिया गया था। तो ये सारी चीज़ याद रखिए। आगे है, पढ़ाया भी आपको डिटेल में, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र बनते हैं, ठीक है, त्रिआयाम में, ठीक है, लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र बनते हैं, इस विधि का नाम क्या है। तो आपकी किताब वगैरह पे होलोग्राम दिखता होगा, नहीं दिखता है होलोग्राम, ठीक, होलोग्राम दिखता है ना, आप देखो उस पर जो है थोड़ा टार्च बार करके आपको 3D इमेज नजर आएगा, तो त्रिआयामी होता है वो होता है, तो होलोग्राम याद रखे राइट आंसर हो जाएगा। आगे, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती, किसकी परत लगी होती है। तो दोस्तों इसमें रजत परत लगी होती है, रजत माने चांदी, रजत माने क्या होता है चांदी, चांदी की परत लगती है। तो याद रखें थर्मस बोतलों की दीवारों पर रजत की परत लगी होती है ताकि लंबे समय तक उसमें जो है वो गर्मी बरकरार रहे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ताप का जो संचरण होता है, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है, ये सभी क्रियाएं होती हैं उसमें से, तो ये सभी क्रियाएं न हो पाएं इसी वजह से वहां पर टेम्परेचर को रोकने के लिए रजत परत का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी आपके लिए नया प्रश्न था। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो लाइकोपीन की वजह से टमाटर क्या होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। अच्छा, किशमिश किस वजह से गुलाबी होता है, ठीक है, गुलाबीपन, वो भी लाइकोपीन की वजह से, ये सब याद रखें। तरबूजे का लाल रंग, ये भी लाइकोपीन की वजह से। और लाइकोपीन क्या है, एक तरह का वर्डी लवक होता है, एक तरह का वर्डी लवक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे, कैप्सिसिन जो दे रहा है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है, ये मिर्चे में होता है, लाल मिर्चे में होता है ना कैप्सिसिन, ठीक है। आगे, नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो एसिटिक एसिड होता है ना यहाँ पे, नींबू में क्या होता है, नहीं एसिटिक नहीं, साइट्रिक, एसिटिक नहीं दोस्तों, साइट्रिक एसिड होता है नींबू में, जिसके वजह से क्या होता है, नींबू खट्टा होता है, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि अम्ल, अम्ल क्या है, नींबू, नींबू क्या है, एक तरह का अम्ल है, एसिड है। और अम्ल क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, जब ये जलीय विलयन से मिलते हैं जाकर, तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए दोस्तों जब इसको घोला जाता है तो इसका खट्टा रूप देखने को मिलता है, साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो नींबू हो गया, इमली हो गया, ठीक है, खैर इमली में अलग से आप देखेंगे तो साइट्रिक, अगर साइट्रिक दिया हुआ तो ठीक है, और टार्टरिक अगर दिया है तो टार्टरिक आप मार सकते हो, इमली के लिए टार्टरिक मार देना, खट्टा होने के बाद भी इमली में क्या होता है, टार्टरिक होता है, ये सब याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें से चीटी के बारे में पूछता है, चीटी, बर्रे, बिच्छू, इन सब जो डंक मारते हैं ना, इसमें फार्मिक एसिड होता है, क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है, सब आपको पढ़ाया गया है। अगर जो डेली पढ़ते होंगे वो तो कर ले जाएंगे, जो एक आध दिन पढ़ते होंगे उनकी तो कहानी ख़राब है। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, बहुत बड़ा सूत्र होता है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, इसका सूत्र है 2 फिर ब्रैकेट में CaSO4 फिर ब्रैकेट बंद 2 फिर H2O, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसके दौरान जो प्लास्टर रखता है ना हड्डी टूटने पर, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और भी बहुत सारी चीज़ होता है, अपने घर की दीवारों पर सीलिंग वगैरह जो डिजाइन में बनती है वो भी इसी से होती है, तो दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ब्रैकेट में CaSO4 2 H2O। आगे, हाइड्रोफाइटा क्या होता है, हाइड्रोफाइट क्या होता है, हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड जहाँ लग गया दोस्तों उसका संबंध जल से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, जल से हो जाएगा। तो याद रखिए जल में उगने वाली वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अब हाइड्रोफाइट या और इसी उगाने की जो विधि होती है इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब जैसे अमरबेल को, सॉरी अमरबेल कह रहे हैं, जैसे आप समुद्र में, समुद्र में तो नहीं दोस्तों इसको बोल सकते हैं ना, जैसे सिंघाड़ा सुना होगा, जलकुंभी सुना होगा, ठीक है, सुना है ना, और इसके अलावा चने की दाल में पड़ता है यार बहुत बढ़िया, भसीड़ सुना होगा, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है जलीय पौधे हैं, ये हाइड्रोफाइट इनको बोलते हैं। आगे देखिए, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है, जेनेटिक्स ये आपको बताना है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है, चलिए बताइए फटाक से दोस्तों। जेनेटिक्स आपको पता होगा अनुवांशिकता का अध्ययन होता है जेनेटिक्स के माध्यम से, और सबसे पहले अनुवांशिकता की खोज किसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने, इसीलिए तो इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता। हालांकि अगर डीएनए के बारे में आपसे पूछे तो वाटसन एंड क्रिक, दो लोग थे वाटसन और क्रिक, जिन्होंने द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था डीएनए का, तो ये अलग चीजें हैं। अच्छा, बहुत लोग संबंधित है इसी तरह से, ठीक है, सबका याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण, तो जीन के सम्मिश्रण से और क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, इन तीनों से होकर के चलता है दोस्तों लैंगिक जनन, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको तो पता होगा कि मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है, या तो जोड़ी बोलिए या तो 46 बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। और इसी में जब क्रिया होते हैं, ठीक है, दो विपरीत, तो फिर यहाँ पे क्या होता है,
जन्म होता है, लैंगिक जनन होता है, तो ये तीनों हो जाएंगे। धान के खेत से निकलने वाली गैस का नाम क्या है? मीथेन निकलती है। धान के खेत से क्या निकलती है? मीथेन। इसके अलावा कोई जानवर पगुरी करता है तो भी मीथेन। इसके अलावा जो दीमक का घर होता है वहां से भी मीथेन निकलता है। इसके अलावा जो कोयले खान होती है वहां से भी मीथेन निकलता है, बहुत जगह से। ठीक है, तो ये सारा आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे बढ़े। आगे देखिए, फसल लॉगिंग विधि, क्रॉप लॉगिंग मेथड क्या है? फसल लॉगिंग विधि क्या है दोस्तों? यह फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता को जानने के लिए एक पौध विश्लेषण है। क्या है? लॉगिंग विधि क्या है? फसल लॉगिंग विधि क्या है? ये पौधों का विश्लेषण करता है। ठीक है, कि हम फलों के लिए जो कितना उत्पादन, मतलब कितना पोषक तत्वों को उनको जरूरत है, क्या दें कि और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का फल हो। आगे देखिए, फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? उस हार्मोन का नाम आपको बताना है। तो उस हार्मोन का नाम है दोस्तों इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन। उस हार्मोन का नाम है इथिलीन। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इथिलीन को हम प्रेजेंट करते हैं C2H4 से, C2H4 से इंडिकेट किया जाता है। और यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने के लिए या उनको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है किसकी, किस चीज़ के लिए होती है? तो कपास की खेती के लिए। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, याद रहेगा आपको, काली मिट्टी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, आईसी चिपो द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है कौन सा? कौन सा ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें सबसे पहले आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिपो का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों वो था IBM 1620। ठीक है, 1620 ये पहला था। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रहेगा आपको। चलिए, क्रायोजेनिक्स इंजन का इस्तेमाल होता है किस काम में होता है इसका इस्तेमाल? तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेस शटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में क्रायोजेनिक क्या होता है? तो कम तापमान पर ईंधन को रख पाना, ये क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। और यहां पर शून्य से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तापमान माना जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है, आगे अब आपको बहुत बताऊंगा। देखिए, जब भी ये रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है तो वहां पर इस तरह के इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन जो है हम नहीं बना पाते थे, हम परचेज करते थे रूस के साथ, बट अब हमारा इसरो भी इस काम में आगे बढ़ चुका है और काफ़ी सफल हो चुका है और अब हम खुद अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा फटाफट इधर साल दो साल से देख रहा होगा कि इसरो ने बहुत सारे प्रक्षेपण किए हैं और उन सभी में जो है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चलिए, इसका सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ था और फिर आगे चल के अब इसका तो लगातार इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आगे, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ठीक है, क्या अवशोषित करती है? जो वायुमंडल में हमारी ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है? ये क्या करती है? एडॉप्ट कर लेती है ताकि वो रेज जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाए। और ओजोन को किससे इंडिकेट किया जाता है? तो इसको O3 बोला जाता है। ओजोन को क्या करते हैं? O3 से इंडिकेट करते हैं, तो ये भी याद रखेगा। आगे, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? देखो, पीछे भी क्वेश्चन जो पूछा था वो एसिड रेन के बारे में पूछा था, वहां हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्या पढ़ा हमने, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा, लेकिन यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछ रहा है दोस्तों। तो याद रखे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए वहां भी था, लेकिन यहां पर मीथेन है, यहां पर नाइट्रोजन का वाला मत करिएगा, मीथेन राइट आंसर होगा। आगे है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क कहां पे स्थापित किया था? ये आपको बताना, एग्रो पार्क ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, उसके अलावा सब्जी अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? वाराणसी में, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये भी याद रखिएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि खाली बनारस में ही है, और भी बहुत जगह पे, लखनऊ में भी दोस्तों इस तरह के पार्क बनाए जा चुके हैं, एग्रो पार्क, और हापुड़ में भी है, सहारनपुर में भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ ऑप्शन भी तो दे रहा है, हापुड़ में, सहारनपुर में, ठीक है यहाँ पर, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, कौन सा कूट कर देंगे बताइए? यहाँ पर सभी हो जाएगा ना, इन सभी जगहों पर एग्रो पार्क बनाए जा चुके हैं। चलिए आगे देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? अब इस पे तो मूवी भी आ गई यार, कम से कम अब तो सही कर लो, अब तो सही कर लो। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, दो बार किया था ये भारत ने, सबसे 11 और 13 मई को किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है 98 में किया था, 11 और 13 मई को 1998 में किया था, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा पहला वाला कब किया था, तो ये बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर उल्टा दे दिया, 89 ये नहीं होगा, 98 वाला सही है, लेकिन पहला आपका कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था, राजस्थान के जैसलमेर में, पोखरण के पास। ठीक है,
चलिए आगे है, किसे वर्ष 2018 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। मैन बुकर पुरस्कार इस बार का किसको दिया गया आपको बताना है, तो इस बार दिया गया दोस्तों ओल्गा टोकारजुक को। किसको? ओल्गा टोकारजुक को दिया गया, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ी उपन्यासकर्ता है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, और इनको मिला है इस बार का। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, कभी अगर आपसे ये पूछ दे कि किस चीज़ के अनुवाद के लिए उनको दिया गया था, ठीक है, तो ये आप क्या बताएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में, ठीक है, कि इनका अनुवाद किस पे किया गया था। आगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो ये बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों। हालांकि देखिए यहाँ पर जो नाम दे रहा है अरविंद नारायण मिश्र और अतुल चंद्रा, ये दोनों जो लोग जो है इससे संबंधित हैं, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिल करके किताबें लिखा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दे रहा है, तो ऐसे में टिक कर पाना बड़ा मुश्किल है। वैसे आप टिक कर सकते हैं अरविंद नारायण को, ठीक है, अरविंद नारायण कर लीजिए। चलिए अरविंद नारायण, ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग 2008, आईपीएल 2018, 2018 की 2008 गड़बड़ दे दिया क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिए, इसका वो बहुत बड़ा हो गया, अभी सही है, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि इंडियन प्रीमियर लीग 2018, अब देखिए यहाँ पर 8 दिया और एक तरफ 18 दे रहा है, तो ये मिसप्रिंट हो गया होगा, उससे घबराइए मत, 18 ही मान के चलिए। कह रहा कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, कहाँ पर खेला गया था, तो मुंबई में खेला गया था, वानखेड़े स्टेडियम में। आखिरी मैच जो हुआ था ये वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, और इसी में जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराया था, हैदराबाद को हराया था, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, याद रखिएगा। और यह आईपीएल का चौथा संस्करण था, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये 11वां संस्करण इस बार था, ठीक है। और इसके प्रायोजक कौन थे, तो वीवो कंपनी थी, वीवो जो थी इसकी प्रायोजक थी। हर बार देता है ना कि कौन इसके प्रायोजक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इस बार स्थान मिला 244वां स्थान मिला है बौद्धिक में, किसमें, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 50 देशों की सूची में 44वां स्थान मिला है। और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले पे अमेरिका है, और दूसरे पे ब्रिटेन है, और तीसरे नंबर पे स्वीडन है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। आगे, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। तो एक महत्वपूर्ण क्रिकेटर है जिनका नाम है सौरभ गांगुली, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखा है सेंचुरी इज नॉट एनफ, ठीक है। और आपको पता होगा सौरभ गांगुली जो है, नाम तो सुना ही होगा आपने, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, हालांकि राहुल द्रविड़ का एक प्रचार बहुत अच्छा आता है, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी का ओवर हो गया, तो कैंसर वाला प्रचार करते हो ना, तो उनका नाम यहाँ पे मत रखिएगा, सौरभ गांगुली याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। और आखिरी आखिरी देखिए, आखिरी नहीं, अभी दो क्वेश्चन और है। ऑस्कर पुरस्कार 2018 का 90वां जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, इसके संबंध में कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है कौन सा सत्य है। पहला दे रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला वो मिला फ्रांसिस मैकडोरमंड को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला द शेप ऑफ वाटर को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया गैटी गोल्ड मैन को। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सत्य है, चौथा ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी। तो याद रखे दोस्तों, जो यहाँ पर ऑस्कर दिया गया था ये कहाँ पर बटा था इस बार वाला, लॉस एंजलिस में, ठीक है, इस बार का जो ऑस्कर दिया गया था, फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे फेमस है, और वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। और इस बार का ऑस्कर बटा था मार्च 2018 में, कहाँ पर, लॉस एंजलिस में, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था द शेप ऑफ वाटर, और किसके निर्देशन में था, तो ये टोरो के निर्देशन में था, पूरा नाम था डेल टोरो, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे वो गैरी गोल्डमैन थे, और अभिनेत्री का नाम आपको दे दिया गया है मैकडोरमंड, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सभी जो दिए हैं उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न पहले मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ आप इतना काम करिए कि आप एडवर्टीजमेंट को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। विनम्र निवेदन है दोस्तों आपसे, ठीक है, सिंपली। और आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस देश ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता था, किस देश ने, तो दोस्तों इस बार का खिलाड़ी कौन रहा है, भारत रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, इस बार खिलाड़ी कौन रहा है, भारत रहा है। और इससे पूर्व जो है कई बार कप जीता जा चुका है, सन 2000 में, 2008 में, 2012 में, 12 में, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ दोस्तों ये होता हमारा समाप्त, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वही एडवर्टीजमेंट को ज़रूर से देखिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।